दोस्तों हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर, जिसकी शुरुआत करने के लिए आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों इस बिजनेस आइडिया की सबसे अच्छी बात क्या है, ये गांव में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो सर्विसेज शहर में रहने वालों को बहुत ही आसानी से मिल जाती है, वही सारी सर्विसेज आप गांव में रहने वाले लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों वो बिजनेस आइडिया क्या है, आप उसको कैसे शुरू कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड करी है स्पाइस मनी कंपनी। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग स्पाइस मनी कंपनी के बारे में जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्पाइस मनी कंपनी एक रूरल फिनटेक कंपनी है, जिसने गांव में रहने वाले 7 लाख से भी ज्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। तो दोस्तों आप भी स्पाइस मनी के साथ एज अ रिटेलर जुड़ सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे स्पाइस मनी के रिटेलर कैसे बने, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उन सारे वीडियोस में ये बताया गया है कि इनके रिटेलर बनने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपको एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं होगी, आप इजीली इनके रिटेलर बन पाएंगे, और उसके बाद में स्पाइस मनी जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो सारी सर्विसेज आपके आसपास में रहने वाले लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे, जिसके बदले में आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं, अगर आप स्पाइस मनी कंपनी के साथ एज अ रिटेलर जुड़ते हैं तो आप कौन सी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप स्पाइस मनी के साथ एज अ रिटेलर बनके काम करते हैं तो ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाएंगे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे कि आप अपने कस्टमर्स के लिए मोबाइल रिचार्ज करके दे पाएंगे। इसके बाद में आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सो मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसे कैश कलेक्ट कर सकते हैं और आपके अकाउंट से पैसे वो जहां पे ट्रांसफर करवाना चाहते हैं वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एईपीएस फैसिलिटी के थ्रू कस्टमर के अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे LIC का पेमेंट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आपके कस्टमर्स LIC का प्रीमियम भरते हैं तो आप उनके प्रीमियम को भरवा सकते हैं, जिसके बदले में आपको कमीशन मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप और भी कई तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि IRCTC से टिकट बुक करके दे सकते हैं, होटल टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके कस्टमर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, D2H का रिचार्ज कर सकते हैं, गैस का बिल पेमेंट कर सकते हैं, वाटर का बिल पेमेंट कर सकते हैं, लैंडलाइन कनेक्शन होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा तो उसका भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, सिलेंडर बुक कर सकते हैं, फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो जितनी भी सर्विसेज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे, और हर एक सर्विस के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ही ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पाइस मनी एप्लीकेशन के अंदर आप अपने सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि आपने कितने पैसे अर्न किए, इसके बाद में आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने क्या क्या चीजों की सर्विसेज दी है, कितना आपका कमीशन बना, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन के अंदर अपने आप को एज अ रिटेलर रजिस्टर करना है, और एक बार आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद में आप अपने कस्टमर्स को ये सारी सर्विसेज दे सकते हैं, और पर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। देखिए दोस्तों ये जो बिजनेस आइडिया है ये बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी दुकान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी इस काम को किया जा सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ कर सकते हैं, अगर कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ भी कर सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम मिलता है। लेकिन दोस्तों आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ही ज्यादा पैसे आप कमा पाएंगे। अब दोस्तों अगर आप स्पाइस मनी के रिटेलर बनना चाहते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की जरूरत पड़ने वाली है, और आप लोगों के लिए मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही साथ मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। तो दोस्तों आपको यही आईडी यूज करना होगा रिटेलर बनते वक्त, अगर आप यही आईडी यूज करेंगे तो आपको एक स्पेशल बोनस भी मिलने वाला है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आप रिटेलर कैसे बन सकते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको स्पाइस मनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने के बाद में आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हैं रेड में लिखा हुआ है ज्वाइन स्पाइस मनी नाउ, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा जो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं OTP ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों इंस्ट्रक्शन की स्क्रीन आपके सामने आएगी, आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। दोस्तों सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंटर योर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी देख पा रहे हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा।
और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंटर करने के बाद सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये छोटा सा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी एंटर किया उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अब्दुल मुक्तदीर, तो आपको इसको क्रॉस चेक कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको अपने डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा आपको 9 तरह के डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने हैं। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको फटाफट सारी डिटेल्स एंटर करके बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। अपने सारे डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं, जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, पिन कोड, एड्रेस वगैरह वगैरह। तो सारी डिटेल्स एंटर कर देने के बाद में नीचे आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस भी सबमिट करना होगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड, पासपोर्ट, तो इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी होगी, तो उसके लिए आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको आपके पैन कार्ड का इमेज भी अपलोड करना होगा। इमेज अपलोड करने के बाद में आपको पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होगी, जिसके लिए आपको एक बार फिर से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो जो सवाल पूछे गए उन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ पे एंटर करना है, जैसे कि आपके फादर का नाम क्या है, मदर्स मिडिल नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वगैरह वगैरह। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है और उसके बाद में सिंपली कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आपको आपके बैंक डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने होंगे, तो उसके लिए आप प्रोसीड पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ से आपको अपना बैंक चूज कर लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सिस बैंक। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, आईएफएससी कोड एंटर करना होगा और अकाउंट का टाइप कौन सा है, करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको आपके बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा, तो उसके लिए आप या तो अपने बैंक का जो फॉर्म आपने भरा था उसका फोटो अपलोड कर सकते हो, या फिर आपका जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज का फोटो अपलोड कर सकते हो, या फिर एक कैंसिल चेक का फोटो अपलोड कर सकते हो। तो इन तीनों में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको आपके शॉप या फिर वर्क प्लेस जो होगा उसके डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने हैं, तो एक बार फिर से आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। सबसे ऊपर आपको आपकी शॉप या वर्क प्लेस का नाम एंटर करना है। देखिए दोस्तों ये काम अगर आप अपने घर से ही करना चाहते हैं तो आप सिंपली होम भी लिख सकते हैं और उसके बाद में और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर देनी होगी। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद में आपको सिंपली कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको आपकी दुकान या फिर जो वर्क प्लेस का एड्रेस है उसका डिक्लेरेशन भी देना होगा, तो उसके लिए सिंपली आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे अपना साइन करना होगा और उसके बाद में आपको सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको आपके शॉप और जो वर्क प्लेस है उसका एड्रेस का प्रूफ भी देना होगा, तो वो भी आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। सिंपली आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास जो भी प्रूफ होगा उसका डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी, जिसके लिए प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से भर लेने हैं और उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको आपकी अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे एंटर करनी होगी, जिसके लिए आपको एक बार फिर से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको आपके नॉमिनी से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, वो भी आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद में सिंपली आपको कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो दुकान है या फिर जो भी वर्क प्लेस है उसके बाहर आपको एक सेल्फी खींच के अपलोड करनी होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी और आपको किस तरीके से फोटो खींचनी है वो भी यहाँ पे दी गई है। पीछे आपकी दुकान या फिर जो भी वर्क प्लेस है वो होना चाहिए और आगे आपका फेस होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको एक फोटो खींचनी है और उसके बाद में वो फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी होगी, तो उसके लिए आपको सिंपली प्रोसीड टू क्लिक सेल्फी के ऊपर क्लिक करना होगा। सेल्फी अपलोड करने के बाद में दोस्तों आखिरी स्टेप बचेगा, स्मॉल वीडियो डिक्लेरेशन। तो आपको एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेक्स्ट आएगा, तो उस टेक्स्ट को आपको रीड करना है और सिंपली वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना होगा प्रोसीड के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आपको बताया गया है कि वीडियो आपको कैसे रिकॉर्ड करना है। आपको आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है उसको चालू कर देना है और उसके बाद में सामने से आपको वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, जिसके लिए आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड टू रिकॉर्ड अ वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद में आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है और उसके बाद में सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, इसका मैसेज आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। तो दोस्तों आपका जो रिटेलर आईडी है वो 1 से 2 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। इनकेस अगर एक्टिवेट नहीं होता तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी नीचे आ गया है,
आप सिंपली इनको कॉल कर सकते हैं, ये आपको आगे के प्रोसेस के लिए गाइड कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप स्पाइस मनी के अंदर एज ए रिटेलर बनके काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद में अपना काम शुरू कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका नाम और नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट डाउन करके रखिए, कोई भी दिक्कत आती है तो एनी टाइम आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों रिटेल आईडी के लिए अप्लाई करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपसे डॉक्यूमेंट मंगा लेंगे और आपको रिटेल आईडी दिलाने में मदद कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्पाइस मनी के रिटेलर बन सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस बोनस के बारे में। देखिए दोस्तों अगर आप रिटेलर बनने के लिए इस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक स्पेशल ऑफर भी मिलने वाला है। आप IRCTC के ऑथोराइज एजेंट बन सकते हैं, वो भी सिर्फ 1199 रुपए में। दोस्तों इससे फायदा क्या होगा कि आप अनलिमिटेड टिकट बुक कर पाएंगे और आप ज्यादा कमीशन कमा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप स्पाइस मनी के रिटेलर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आपको वहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नंबर भी दिए हैं, तो अगर रिटेलर बनते वक्त अगर आपको कोई तकलीफ आती है तो आप इन नंबर पर कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।